दिल्ली में सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या जेल जाने की बारी आप विधायक नरेश बालियान की है। ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कल रात उनके खिलाफ थाने में मारपीट, गाली गलौज और धमकी का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि बालियान ने ईसाई शख्स से मारपीट की। वैसे बालियान आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों ने भी FIR दर्ज करवाई है। थाने के बाहर प्रदर्शन की ये तस्वीरें दिल्ली के उत्तम नगर की हैं। प्रदर्शन कर रहे ये लोग इसी इलाके की सोसाइटी के रहने वाले हैं। आरोप है कि कल दिन में RWA यानी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग के दौरान स्थानीय विधायक नरेश बालियान ने हेनरी नाम के ईसाई युवक से गाली गलौज और मारपीट की। अपनी आपस में मीटिंग ही कर रहे थे 20-25 आदमी बैठ के। इतनी देर में नरेश बालियान अपने साथ 4-5 महावीर फौजी और ये 4-5 गुंडों को लेके आया और सीधा अंदर घुसा। सब हमारे प्रधान जी बैठे थे, प्रधान जी ने कुर्सी छोड़ के बोला जी विधायक जी हैं तो बैठो। बैठे, बोला भाई तेरे को मैं इतने दिनों से बुला रहा हूँ, तू आता क्यों नहीं। मैं कहा भाई किस लिए बुला रहा है, ये नहीं बस तेरे को सुनाई नहीं दिया। और मेरे को जी माँ बहन की गाली, मैंने कहा जी गाली किस लिए दे रहे हो। बोला गाली दे रहा हूँ, बोला तेरे को तो जान से मार दूंगा। उठा के जी मेरे थप्पड़ मारा और इन्होंने फिर मेरे से मार पिटाई चालू कर दी। हेनरी जॉर्ज जिस मीटिंग में मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, उसी मीटिंग में त्रिलोक चंद शर्मा भी मौजूद थे। अब उनसे सुनिए कि कल दिन में क्या हुआ। इतने में वो आकर और किसी से तो कोई बात करी नहीं, इन्हीं से कहने लगे तुझे बुलाया आया नहीं, क्या बात थी। बोले मुझे तो पता ही नहीं। बोले तुझे पता नहीं है। और उसने एकदम बोले गाली देने लगे। इन्होंने कहा भाई साहब गाली क्यों दे रहे हो। बोले अभी तो गाली दिए बताऊँ क्या बताओगे। उसने एकदम धैर्य से थप्पड़ मारा। इन लोगों की बात माने तो नरेश बालियान ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि 20-25 लोगों की मौजूदगी में हेनरी से मारपीट भी की। लेकिन जब इस बारे में विधायक नरेश बालियान से पूछा गया तो उन्होंने एक अलग ही कहानी सुना दी। कोई RWA का मेंबर नहीं है, वो RWA रजिस्टर्ड RWA है, RWA का मेंबर नहीं है ये। सिर्फ अब पहले बीजेपी पीछे लगी हुई थी, अब कांग्रेस भी पीछे लगी हुई है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता है और वहाँ शराब पी के कोई लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा था। मेरे निकलने के बाद ये सारा एपिसोड हुआ है, तो मेरा तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं बिल्कुल। नरेश बालियान के समर्थकों ने भी हेनरी के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है। अब पुलिस की जांच के बाद ही साफ होगा कि किसका दावा सही है। वैसे एक बात यहां हम आपको बता दें कि उत्तम नगर के विधायक नरेश बालियान पहले भी विवादों में घिर चुके हैं। अब अगर इस मामले में बालियान की गिरफ्तारी होती है तो 20 महीने में जेल जाने वाले आपके 12वें विधायक होंगे।